दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों यदि कोई पुरुष ये तीन काम करता है तो पत्नी के साथ ही दुनिया की हर महिला करेगी उसकी इज्जत, यहाँ तक कि उसके तलवे चाटेगी। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में हर पीढ़ी के लोगों को कोई ना कोई सीख दी है जिस पर अमल करके हम अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। दोस्तों हर इंसान की ये चाहत होती है कि उसका जीवन सुखमय हो और उसके घर में हमेशा सुख शांति रहे। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को ये तीन काम करने से डरना नहीं चाहिए, वरना कुछ चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के डरने लगते हैं और ऐसे में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें इन तीन चीज़ों से कभी नहीं डरना चाहिए। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वो तीन चीज़ें क्या हैं तो आइए जानते हैं उनके बारे में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं मर्दों को किसी भी महिला को प्रपोज करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे सच्चा प्रेम करती है और आप भी उससे प्रेम करते हैं तो आप उसे तुरंत हाँ कह दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो सकती है। आपका यही डर आपके प्रेम को जुदा कर सकता है। साथ ही अपनी पत्नी से प्रेम मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रेम मांगने में या लेने में शर्म करेंगे तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि हमें दुख, गरीबी और किसी कठोर परीक्षा से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही अपनी इन चीज़ों अथवा गलत परिस्थितियों से डरते हैं उतना ही हमारा नुकसान अधिक होता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हमें इन चीज़ों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों भले ही आप अंदर से कमज़ोर हों लेकिन आपकी ये बातें कोई नहीं जानता, ऐसे में कोई औरत आपके ऊपर पूरा भरोसा करती है कि ये मेरी रक्षा जरूर करेगा। अगर आप उसके सामने ही हर बात पर परेशान हो जाएंगे तो उस स्त्री का मनोबल टूट जाएगा और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि स्त्री की नज़र में उसका पुरुष हीरो होता है और उसका वही हीरो अगर डर जाएगा तो वो उसे गीदड़ मानेगी और उसे नामर्द समझने लगेगी, उसकी कभी भी वो स्त्री इज्जत नहीं करेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।